हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड दिस इज़ योर तन्मय सर। सो वी आर डूइंग द इंडक्शन मोटर पावर स्टेज सीरीजेज, राइट? सो टुडे इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी बेसिक। सो वील स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड वील गो फार ऑन। ओके, सो टुडे द न्यूमेरिकल व्हिच आई हैव टेकन फॉर यू, दिस इज़ शोइंग ऑन योर डिस्प्ले, दैट इज़ आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन, राइट? ओके, the power input to the rotor of a 400 volt 50 hertz 6 pole 3 phase induction motor is 20 kilowatt. The slip is 3%. Calculate number 1 the frequency of rotor currents, rotor speed, rotor copper loss, rotor resistance per phase if rotor current is 60 ampere, right? तो क्या पूछा? मुझे पूछा है the power input to the rotor of a 400 वोल्ट 50 हर्ज, यानी कि वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ज, 6 पोल यानी कि पी इक्वल्स टू 6, 3 फेज एक इंडक्शन मोटर है और जिसका जो इनपुट है, इसका जो पावर इनपुट है वो कितना है इनपुट 20 किलोवाट, राइट? ओके, द स्लिप इज 3%, द स्लिप इज गिवन, व्हाट इज द स्लिप, द स्लिप इज 3% गिवन, दैट इज एस इक्वल्स टू 0.03। ओके, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट मींस व्हाट, एफ डैश हमने किया था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट मतलब क्या है, एफ डैश रोटर का करंट का फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ डैश और या फिर एफ टू तुम कह सकते हो। उसके बाद क्या, रोटर का स्पीड, रोटर का स्पीड मतलब एन, एन का वैल्यू, ठीक है। रोटर कॉपर लॉस, रोटर में कितना कॉपर लॉस हुआ। उसके बाद है रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ रोटर करंट इज 60 एम्पियर, बोल रहे हैं रोटर का अगर करंट, रोटर में जो करंट होगा I2 वो अगर 60 एम्पियर है तो बताओ रोटर का रेसिस्टेंस कितना है यानी कि R2 कितना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, लेट एज्यूम द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज नंबर वन, व्हाट यू हैव टू डू, नंबर वन इज कमिंग टू द सोल्यूशन, नंबर वन वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट्स, व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट्स। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट मतलब कितना, एफ डैश, एफ डैश का फॉर्मूला तुमने क्या सीखा था, एफ डैश का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, एफ डैश का फॉर्मूला था एस इंटू एफ, ठीक है। और क्वेश्चन पे क्या गिवन है, देखो एस का वैल्यू दिया गया है 3%, परसेंटेज रिमूव करो तो किस कैसा होगा, 3/100, दैट इज 0.03, ठीक है। तो इस ये जो एस का वैल्यू है 0.03, इसको यहाँ पे पुट करो, 0.03 इंटू एफ, एफ का वैल्यू क्या है क्वेश्चन पे 50 हर्ज, कितना है एफ का वैल्यू 50 हर्ज, तो यहाँ पे 50 पुट करो, तो इसका करोगे तो इसका आएगा 1.5 हर्ज, कितना आया 1.5 हर्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट कितना है 1.5 हर्ज, रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ज है, इतना क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला, क्वेश्चन नंबर टू पे देखो क्या बोल रहा है रोटर का स्पीड यानी कि एन मालूम करने के लिए बोल रहा है, रोटर का स्पीड मतलब क्या है एन, और एन का वैल्यू हम क्या जानते हैं, एन का वैल्यू हम जानते हैं एन एस इंटू वन माइनस एस, ठीक। सो अगर एन का वैल्यू एन एस इंटू वन माइनस है तो देखो एस का वैल्यू तो तुम्हें मालूम है 0.03, वन इज न्यूमेरिकल नंबर वन, लेकिन एन एस का वैल्यू क्वेश्चन पे नहीं है, यानी कि फॉर फाइंडिंग द रोटर कॉपर लॉस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एस। सो वे एन एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन एस इक्वल्स टू 120 F/P, राइट? सो यहाँ पे पुट करो 120 F मतलब 50, पी का वैल्यू कितना है पोल, 6 पोल, व्हाई, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन पी इक्वल्स टू 6, ठीक है। ओके, अभी इसको यहाँ पे पुट करो तो कितना आएगा, एन एस का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ कितना आ रहा है, ये आएगा तकरीबन 2620 1000 RPM, किसका वैल्यू, एन एस का वैल्यू, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो एन एस का वैल्यू 1000, 1 - 0.03, इसका कैलकुलेशन करोगे तो तकरीबन 700 RPM आएगा, यानी कि रोटर का स्पीड कितना है, रोटर का स्पीड है 700 RPM। कैसे निकाला, एन इक्वल्स टू एन एस इंटू वन माइनस एस, एन एस कैसे निकालते हैं, एन एस इक्वल्स टू 120 F/P। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए, ठीक है, थोड़ा फास्ट में बोलूँगा। सो एन एस इक्वल्स टू 120 F/P आ गया 700 RPM। सो क्वेश्चन नंबर वन
सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन डन। अभी क्या चाहिए? रोटर कॉपर लॉस चाहिए। रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस मतलब रोटर में कितना लॉस हुआ। तो रोटर में कितना लॉस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, याद करो पिछले दिन हमने एक रेशियो सीखा था। पिछले दिन हमने एक रेशियो सीखा था। क्या था वो रेशियो? वो रेशियो था हमने जो सीखा था वो था रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट इक्वल्स टू क्या था, एस। पिछले दिन का वीडियो देखो, पावर स्टेज का फॉर्मूला का जो वीडियो बनाया है वो देखो। रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्लिप, ठीक है ना। ये हमने पिछले दिन किया था, तो इसमें आके वैल्यू पुट कर सकते हो तुम। तो यह एक काम करो, वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू एस इन टू रोटर इनपुट। अभी एस का वैल्यू कितना है, 0.03। रोटर का इनपुट कितना है, देखो रोटर इनपुट मतलब पी टू जो हमने किया था। तो रोटर का इनपुट मतलब क्या है, पी टू। पी टू का वैल्यू इस क्वेश्चन पे कितना है, गौर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखो क्या है पी टू का वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, द पावर इनपुट टू द रोटर, रोटर में पावर इनपुट कितना है, 200 किलोवाट है, राइट। तो पी टू का वैल्यू कितना है, 20 किलोवाट है। तो यहाँ पे जाके 20 पुट कर दो, ठीक है, इतना किलोवाट आएगा, क्योंकि क्योंकि मैंने 20 लिखा है। अगर तुम किलोवाट से वाट में ले जाओगे तो इधर पे यूनिट वाट लिखना, मैंने किलोवाट को किलोवाट भी रखा है इसलिए यूनिट किलोवाट ही लिखा है। तो इसका करोगे तो तकरीबन 0.6 किलोवाट आएगा, यानी कि 600 वाट, ठीक है। 0.6 किलोवाट मतलब कितना है, 600 वाट। तो मेरा 3 नंबर का जो सोल्यूशन है वो भी हो गया है, ठीक है। ये पिछले दिन का रेशियो है, जिन्होंने पहले दिन का फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है फिर से देख लो, नहीं तो पावर स्टेज का कोई भी न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे। माफ़ी चाहूँगा, एक फ़ोन आया था, सॉरी। ओके, कितना किया था हमने, रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस कैसे निकलते हैं, रोटर कॉपर लॉस डिवाइड बाई रोटर इनपुट इक्वल्स टू स्लिप, पिछले दिन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको पिछले दिन का जो फॉर्मूला का जो वीडियो है उसको जाके देखो, उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे आओ, ठीक है। ओके, नंबर फोर। नंबर फोर क्या बोल रहा है, नंबर फोर बोल रहा है रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ़ रोटर करंट इज 60 एम्पियर। देखो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, पर फेज बोला है, एक फेज में। ये जो क्वेश्चन है ये कितने फेज का है, 3 फेज का है। तो यहाँ पे जो हमने रोटर कॉपर लॉस निकाला वो कितने फेज का है, 3 फेज का है। तो 3 फेज मिला के 600 वाट है। तो सिंगल फेज में कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि रोटर कॉपर लॉस पर फेज टोटल कितना है, टोटल है 600 वाट पर फेज। कितना फेज का न्यूमेरिकल है, 3 फेज का है। तो कितना आ जाएगा, 200 वाट, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ़ रोटर करंट इज 60 एम्पियर। रोटर का करंट क्या है, I2, वैल्यू कितना है, 60 एम्पियर, ठीक है। और पावर लॉस मतलब कितना है, रेजिस्टेंस ड्रॉप। रेजिस्टेंस ड्रॉप मतलब क्या, I2R लॉस, पढ़ा था ना हमने। तो रेजिस्टेंस ड्रॉप मतलब I2R लॉस। तो रोटर का रेजिस्टेंस I2, करंट I2, रोटर का रेजिस्टेंस R2, तो I2R लॉस। यह है कित क्या, यह है रोटर का रेजिस्टेंस पर फेज। दिस थिंग इक्वल्स टू 200। कैसे बिठाया, देखो पावर लॉस मतलब क्या है, P इक्वल्स टू I2R, I2 इंटू R मतलब पावर लॉस। तो रोटर का पर फेज में करंट कौन है, पर फेज करंट है I2, पर फेज रेजिस्टेंस कौन है, R2। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है R2 मतलब रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, I2 मतलब रोटर करंट पर फेज। तो पर फेज I2 इंटू R2 दैट इज योर लॉस है। दिस लॉस इक्वल्स टू कितना है, रोटर कॉपर लॉस पर फेज 200 वाट। सो आई कैन राइट I2² इंटू R2 इक्वल्स टू 200, क्लियर। अभी देखो ये I2 का वैल्यू क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, 60 एम्पियर, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ रोटर करंट इज 60 एम्पियर। सो रोटर का करंट क्या है, 60 एम्पियर, यानी कि I2 का वैल्यू क्या है, 60 एम्पियर। तो 60² इंटू R2 इक्वल्स टू 200। सो यहाँ से तुम R2 कैसे निकालोगे, 200 डिवाइडेड बाई 60², इसका जो वैल्यू आएगा तकरीबन तकरीबन 0.055 ओम आएगा, ठीक है। तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है।
बस इतना ही है इसका आंसर। तो देखो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। पहले से मैं थोड़ा इजी पहले पहले मैं थोड़ा इजी न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करके ले जाऊंगा। तो जिनको न्यूमेरिकल को लेके एनी डाउट रहता है तो तुम ज़रूर वीडियो देखो, ज़रूर वीडियो देखो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करो, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा, तुम अगर चाहिए तो तुम कमेंट कर दो व्हाट्सएप नंबर के लिए, तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़रूर करो, इससे क्या होता है, इसके इससे बेसिक भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। ठीक है, सो ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो पहले वाला न्यूमेरिकल इसलिए थोड़ा ईजी करवाया। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बढ़ा के ले जाएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज यू तन्मय सर, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। इफ़ यस देन यू कैन कॉमेंट, यू कैन शेयर इट एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय, सी यू।